मुर्दाबाद, तीन दिसंबर है विकलांग दिवस, जिसको हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारा इशू है बैकलॉग को भरना, जो कि 1995 से ही जो कानून बना है हमारा और 16 में पुनः उसका नवीनीकरण किया गया है, तो बैकलॉग भरना हमारा मेन इशू है। और इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल्स हैं, तो स्कूलों का मॉडर्नाइजेशन हो, हमारे जो कि एक स्कूल शिमला में है, ढली में और एक सुंदरनगर में स्कूल है, उनका मॉडर्नाइजेशन हो, उनको अच्छा बनाया जाए, ताकि अभी आपने देखा होगा कि एक ब्लाइंड हिमाचल से IAS भी लगे हैं, तो ताकि सभी ब्लाइंड अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ प्रमोशन इन रिजर्वेशन, ये भी हमारा एक इशू है। और 2016 से जो नई हैंडीकैप्ट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ साथ एक इशू है हमारा जॉब आइडेंटिफिकेशन नहीं होने के कारण बहुत सारी जो हमारी पोस्टें हैं वो लो विजन के खाते में चले जाती हैं, या वो आइडेंटिफाई होती नहीं है, मतलब कि वो हमें मिल ही नहीं पाती है। तो जॉब आइडेंटिफिकेशन होना हमारा एक इशू है। और इसके साथ साथ पहले हमारी रिटायरमेंट 60 साल होती थी, जिसे सरकार द्वारा 58 कर दिया गया है, तो उस रिटायरमेंट को पुनः बहाल किया जाए, 60 साल किया जाए। और जो बेरोजगार भत्ता है उसको भी बढ़ाया जाए, और हमें परमानेंट पेंशन दी जाए रिटायरमेंट के बाद, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रूल है। तो यही सब इश्यूज हैं हमारे। मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर भूख हड़ताल भी हमारे पास एक कदम रहता है, और लगातार भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे और आमरण अनशन तक ये हमारा जो धरना है वो जाएगा।